हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेम ऑफ चैप्टर इज मैनेजमेंट फंक्शंस। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स या किसी और रिसोर्स का किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैनेजमेंट कहलाता है। नाउ मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं? हेनरी फ्योल, द फादर ऑफ फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू फाइव कैटेगरीज एज फॉलोस। फर्स्ट वन इज़ फोरकास्ट एंड प्लान। कोई भी काम करने से पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्लानिंग करनी। प्लानिंग में हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं, काम कैसे होना उसका शेड्यूल बनाते हैं, उसकी बजटिंग करते हैं। नाउ सेकेंड इज़ टू ऑर्गेनाइज। इसमें हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जो भी उस काम के लिए ज़रूरत है लोगों को इकट्ठा करते हैं, एंड ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करते हैं लोगों को, जो किसको क्या काम करना है ये बताते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। टू कमांड और गिव ऑर्डर्स। देन प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हम लोगों को उनको कमांड देते हैं कि उनको क्या करना है, ऑर्डर्स देते हैं कि किस टाइप से क्या काम करना। नाउ फोर्थ वन इज़ टू कोऑर्डिनेट एंड फिफ्थ वन इज़ टू कंट्रोल। इनके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी फंक्शंस के लिए जो लूथर गैलिक थे उन्होंने हमें एक कैचवर्ड दिया है, पॉट्स कॉर्प। यहाँ पे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, डी फॉर डायरेक्टिंग, एस फॉर स्टाफिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग होता है। तो वही है चीज़ें कि प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजेशन करना उन चीज़ों को, देन डायरेक्शन वगैरह देना। स्टाफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें हम लोगों को हायर करते हैं कि जो इस काम के लिए सही होते हैं, एंड उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग होती रहनी चाहिए, एंड बजटिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो हैं प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग उसके लिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, एंड डायरेक्टिंग डायरेक्शन देना, एंड कंट्रोलिंग कि हमारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव हम अपना फाइंड करते हैं। देन फोरकास्टिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, उसके लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल एंड प्रोसीजर, शेड्यूल्स कब कैसे कहाँ होना है एंड प्रोसीजर कैसे करना है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग बजटिंग होती है। लूथर गैलिक ने बजटिंग को अलग बताया था, बट हम इसमें जो मेन फंक्शंस है उसमें हम बजटिंग को प्लानिंग में ही इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय विच मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन में हम ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स जो भी होते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे प्लानिंग में भी यही था। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, हम जो हमें एक्टिविटीज़ करनी है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू इंडिविजुअल्स, देन जो भी लोग हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। नाउ थर्ड वन स्टाफिंग। स्टाफिंग यूजली इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों के लिए, लोगों की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस टाइप के कैसे लोग चाहिए। डिसाइडिंग सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप के लोग चाहिए, किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं। देन रिसीविंग एप्लीकेशंस, फिर हम लोग हमें एप्लीकेशंस देते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट देख के। देन टेस्टिंग एंड इंटरव्यू, फिर हम टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू लेते हैं लोगों का। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसमेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमें लोगों को हायर करने के बाद उन्हें चीज़ों के, अपने काम के बारे में बताना होता है और ट्रेनिंग देनी होती है कि कैसे वो काम होगा।
डायरेक्टिंग, डायरेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट टू वर्क इन अ वे दैट इज़ बेनिफिशियल टू द इंटरप्राइज। डायरेक्टिंग में हम अपने जो भी वर्कर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। द डायरेक्शन फंक्शंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स: लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन। लीडरशिप मीन्स लीड करना होता है लोगों को, कम्युनिकेशन बनी रहनी चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है काम करते करते, अगर हम मोटिवेट जितना मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा काम निकल के आएंगे, एंड सुपरविजन। फोर्थ वन कंट्रोलिंग: अकॉर्डिंग टू फेयॉल इन एन अंडरटेकिंग कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर इन कन्फर्मिटी विद द प्लान अडॉप्टेड, द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड द प्रिंसिपल इस्टेब्लिश। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जिस टाइप से हमने प्लान किया था उस टाइप से काम हो रहा है या नहीं। द कंट्रोल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स: फर्स्ट वन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं, पैमाने बनाते होते हैं कि हमें किससे कितना काम चाहिए, कितने दिन में कितना काम चाहिए, इस टाइप से मेजरिंग परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस है या नहीं। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और अगर नहीं ऐसा है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं इन कंट्रोलिंग। नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेसिकली तीन लेवल्स होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर्स वगैरह आते हैं जो कि पॉलिसीज बनाते हैं। देन डिपार्टमेंटल हेड्स, मिडिल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स, रीजनल मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स आते हैं। जो भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट बनाता है उसको फॉलो कराने, अपने डिपार्टमेंट में फॉलो कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिडिल मैनेजमेंट के पास होती है। देन लास्ट वन लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह आते हैं। ये वो लोग हैं जो कि काम कराते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे काम कराते हैं, वो यही लोग हैं लोअर मैनेजमेंट के लोग। ये जो डायग्राम है ये हमारा हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स का है। नाउ फर्स्ट वन टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस, ऑब्जेक्ट पॉलिसीज वगैरह बनाती है। इट परफॉर्म्स द हायर लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस एंड टेक द पॉलिसीज डिसीजन। जो सबसे ऊपर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही करते हैं, एंड मेनली इनका काम होता है पॉलिसीज बनाना। नाउ मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। द जॉब ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स इज़ टू ऑर्गेनाइज देयर डिपार्टमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट्स पॉलिसीज। जो हमारे टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उसको अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कराना मिडिल मैनेजमेंट के रोल होता है, मिडिल मैनेजमेंट के अंडर आता है। लोअर मैनेजमेंट, लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट्स, ETC, who are engaged with the direction of the operative employees. The managers at this level are in direct contact with operative employees. Now, managerial planning. So, planning kya hoti? It is the process of thinking before doing and making plans for the organization. तो प्लानिंग में हम क्या सोचते हैं, क्या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इनको हम फाइंड आउट करते हैं अंडर प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग इश्यूज, लाइक फर्स्ट वन व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है हमें, हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करेंगे हम उसे, वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ पे करना है, एंड व्हेन इज़ टू बी डन, टाइम के बारे में कि कब करना है उसे, एंड लास्ट वन बाय होम इज़ टू बी डन, किस टाइप के लोग इस काम को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के अंदर आती हैं। थैंक यू।